आज मैं आपके लिए सुबह की जल्दबाजी में 5 मिनट में बनने वाले ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आधा चम्मच घी में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी कि अगर आप एक बार इसको बनाकर खा लेंगे तो बार बार इसी को बनाकर खाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद सिरका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बाउल में 4 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। एक छोटे साइज़ के टमाटर को बारीक काट कर लिया है, इसे डालेंगे। 2 चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। इसमें जो सब्जियां डालेंगे सभी को बारीक काट कर लेंगे। 1 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सब्जियां आप अपनी पसंद की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप प्याज और टमाटर से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। 1 छोटे साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया, इसे डालेंगे। 2 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। 1/2 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो 1/2 नींबू का जूस डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाएंगे। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसका हमें ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला घोल रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हमें बनाना है। देखिए, बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके का घोल हमें बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। आप अपने हिसाब से ब्रेड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, आप नॉर्मल तवे पर भी ये नाश्ता बना सकते हैं। 1/2 चम्मच घी डालेंगे, आप इसकी जगह ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। घी को चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें मीडियम गर्म तवा चाहिए। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। बेसन के घोल में ब्रेड को अच्छे से डिप करेंगे, जिससे कि बेसन के साथ साथ सब्जियाँ भी इसमें अच्छे से लग जाएँ। देखिए, इस ब्रेड में सब्जियाँ अच्छे से लग गई हैं। अब इसे तवे पर रखेंगे, इसीलिए बेसन के घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इससे बेसन तो लग जाएगा लेकिन सब्जी इसमें अच्छे से नहीं लगेगी। गैस को लो टू मीडियम पर रखेंगे और इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। इसे सिकने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। ब्रेड को एक बार आप चेक कर लें कि सिका है या नहीं। ये सिक गया है, इसे पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेक लेंगे। ब्रेड को हल्का सा दबाते हुए सेकेंगे, इससे ये क्रिस्पी हो जाएगा। ब्रेड सिक्के तैयार है, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में 1/2 चम्मच घी से ब्रेड का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इस नाश्ते को सॉस, चटनी, चाय सभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख सकते हैं, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।